सो हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल अगेन बैक विद ए न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ आपके ब्लैक एंड वाइटर्स क्यों होते हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या रहेगा जो आपके ब्लैकर्स को सही कर देगा और अगेन से आपके ब्लैकर्स ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में दिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना और इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, तो मैं सिंपली आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा आपके ब्लैकर्स क्यों हो जाते हैं। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो तो आपके अगेन ब्लैकर्स नहीं होंगे और आपको ट्रीट करना भी आ जाएगा उनको अगर हो जाते हैं तो। अब ब्लैकर्स, सबसे पहले आपके जो भी स्किन के पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसके कारण आपके ब्लैक एंड वाइटर्स बनते हैं। अब डर्ट में जाने के कारण भी बनते हैं, बट मेन कारण आपके जो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं वो होता है। तो अब पोर्स ब्लॉक कैसे होते हैं, अगर आप मेरे फेस को क्लोजली देखोगे, जो भी मेरे हेयर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। तो ये हेयर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, मिरर में आप अगर क्लोजली देखोगे तो आपके हेयर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे। हो सकता है कम एज वालों को ना मिले, बट अगर आपकी एज मेरे जितनी है, 20 है, या आपको देखने को मिलेंगे आपके फेस पे यहाँ पे हेयर्स होंगे। ये हेयर्स बड़े नहीं होते, बट आपके जो भी पोर्स रहते हैं जिनसे ये निकलते हैं, वहाँ से ये निकलते हैं। अब वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो उसके कारण वहाँ पे ब्लैक एंड वाइटर्स बनने लग जाते हैं। अब पोर्स ब्लॉक इसलिए हो जाते हैं बिकॉज आप अपनी स्किन को क्लियर नहीं करते, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करते। अब क्लियर करने का मतलब है आप अपनी स्किन पे अच्छा फेस वॉश यूज नहीं करते जो आपकी स्किन को क्लियर कर दे। आप ओनली फेस वॉश जो भी होता है मार्केट से ले आते हो, ओनली आपकी स्किन को साफ कर देता है, ना कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। एक्सफोलिएट करने के लिए कुछ लोग स्क्रब यूज़ करते हैं, बट स्क्रब आपकी स्किन को इरिटेट कर देती है। तो एक्सफोलिएट के लिए आपको फेस वॉश ही मैं बताऊंगा जो आपको यूज़ करना चाहिए। तो एक्सफोलिएट का मेन मतलब है आपकी जो भी ऊपर वाली लेयर है वो उसको अच्छे से रिमूव करता है और जो भी पोर्स ब्लॉक हो गया उनको अनक्लोड करता है, उनको ओपन करता है अगेन से। ओपन का मतलब ऐसा नहीं है कि इतने खुल जाएंगे आपके, मतलब ओपन पोर्स हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जो भी पोर्स ब्लॉक हो गया उनको ओपन करता है और जिससे क्या होता है, अगेन आपके ब्लैकर्स नहीं होते और आपकी स्किन साफ रहती है। और जब आप रेगुलर अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते रहोगे, आपकी स्किन पे ब्लॉक पोर्स नहीं रहेंगे और आपकी स्किन पे डेड लेयर नहीं रहेगी, जिसके कारण अगेन से पिंपल्स और ब्लैक एंड वाइटर्स नहीं बनेंगे। अगर आपकी स्किन पे अगेन वापस ब्लैक एंड वाइटर्स बन रहे हैं तो इसका एक ही कारण है, आप कोई अच्छा फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं कर रहे। हो सकता है सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा हो, आप अपनी स्किन को साफ नहीं रख रहे, ये भी कारण हो सकता है। और भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, डर्ट में काफ़ी रहना, काफ़ी डेड स्किन इकट्ठी हो जाना। और जो गर्ल्स मेकअप वगैरह यूज़ करती हैं उनके भी वाइटर्स ब्लैकर्स देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। अब मेकअप भी काफ़ी अलग अलग आते हैं, कुछ ऑयली टाइप के भी होते हैं, तो उसके कारण ज़्यादा आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है। तो सीबम अगर आपका बाहर नहीं निकल पाएगा, पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो वहाँ पे पिंपल बनेगा। तो सीबम को बाहर निकलते रहना ज़रूरी है, आपकी स्किन साफ रहेगी, पोर्स ब्लॉक नहीं होंगे तो सीबम निकलता रहेगा। तो सीबम को आप साफ कर सकते हो किसी भी चीज़ से, फेस वॉश से या कैसे भी, बट पोर्स ब्लॉक हो गए तो आपके पिंपल्स ब्लैक एंड वाइटर्स होंगे। तो ये चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होगे। और सबसे ज़्यादा वाइटर्स ब्लैकर्स ऑयली स्किन पे देखने को मिलते हैं और कॉम्बिनेशन स्किन पे देखने को मिलते हैं। ड्राई स्किन वालों के काफ़ी कम ब्लैक एंड वाइटर्स होते हैं, तो होते हैं उनके भी, ऐसा नहीं है, बट ऑयली स्किन वालों के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वो आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन नहीं करते, इसके कारण होते हैं। तो अब आप समझ गए होगे अच्छे से अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है, मेन कारण है पोर्स ब्लॉक हो जाने के कारण, काफ़ी ज़्यादा डर्ट में रहने के कारण। अगर डर्ट वगैरह आपके फेस पे आती है, आप उसको अच्छे से क्लीन नहीं करते, उसके कारण। ठीक है, फोर्थ हो गया, आप अपनी डेड लेयर को क्लीन नहीं करते, जो भी डेड टैन वगैरह आ जाता है, सन वगैरह में जाते हो आप, सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो भी मैंने अभी बताई हैं। अब बात आ जाती है हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कैसे करें, क्या यूज़ करें। तो ओनली आपको फेस वॉश यूज़ करना है, वही फेस वॉश आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। तो सबसे पहले ऑयली स्किन वालों को, तो ऑयली स्किन वालों को 2% सैल्सिलिक एसिड वाला फेस वॉश लेना है जिसमें सैल्सिलिक एसिड हो 2%। सैल्सिलिक एसिड क्या काम करेगा, जो भी आप फेस वॉश यूज़ करोगे वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, जो भी सीबम प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है सीबम को भी कम करेगा और साथ में आपके जो भी पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं उनको अनक्लोड करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है अगर आप ये यूज़ करते हो सैल्सिलिक एसिड फेस वॉश। ऑयली स्किन वाले मॉर्निंग में इससे फेस वॉश करें और नाइट में, इसको आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो। अगर विंटर्स में आपको थोड़ी ड्राइनेस देखने को मिलती है, आप इससे गैप में भी वॉश कर सकते हो। अब आ जाती है कॉम्बिनेशन स्किन की बात, तो आप समर में इसको यूज़ कर सकते हो और विंटर्स में नॉर्मल क्लींजर यूज़ कर सकते हो। ड्राई स्किन वाले इसको वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, 2 डेज़ या 3 डेज़ के गैप में आप इसको 1 बार यूज़ कर लिया करो, चाहे मॉर्निंग में कर लो चाहे नाइट में। तो यही चीज़ आपको यूज़ करनी है, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देगा। और ड्राई स्किन वाले ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, उसके क्रीम वगैरह भी आती है, फेस वॉश भी आते हैं, तो आप जो भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो। ड्राई स्किन वालों को ओनली वीक में 2 टाइम यूज़ करना है,
ज़्यादा यूज़ करोगे आपकी स्किन वेरी ड्राई हो जाएगी। इसको यूज़ करने के बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल नहीं आता तो सैलिसिलिक एसिड का परसेंटेज कम कर लेना। 1% वाला सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश ले सकते हो, नहीं तो 2% वाला ले सकते हो, जैसे आपको आपकी स्किन के हिसाब से लेना है। ऐसा नहीं है मैंने सजेस्ट कर दिया आप ले लोगे या किसी ने भी सजेस्ट कर दिया, आपको आपकी स्किन से हिसाब से लेना है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो 1% से स्टार्ट कर सकते हो, 2% तक जा सकते हो। अगर आप 1% का आपको सूट कर जाता है अच्छे से तो आप 2% तक जा सकते हो। तो इन दोनों के लिंक मैं दे दूंगा, जो भी फेस वॉश बेस्ट रहेंगे सैलिसिलिक एसिड वाले तो वो आप बाय कर सकते हो। ये ऑरेंज वाला है ये है 1% वाला है, और जो ब्लू वाला है ये बैंगनी सा कलर है जिसका, तो वो 2% है उसमें सैलिसिलिक एसिड। जो मार्केट में फेस वॉश मिलते हैं वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करते, वो आपकी स्किन को बिल्कुल सिर्फ क्लियर कर देते हैं, और ये फेस वॉश आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, जो भी आपके पोर्स हैं उनको भी अच्छे से साफ करेगा, जिसके कारण अगर कोई डर्ट भी होगी तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। जो मार्केट में मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स कर देते हैं, मतलब नॉर्मली वो आपकी स्किन को ऊपर ऊपर से साफ़ कर देते हैं, और कुछ केमिकल्स होते हैं जो एक बार के लिए ब्राइटन दिखा देते हैं आपकी स्किन को। तो ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप यूज़ करते हो। तो अगर आपको मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन यूज़ करनी है तो नॉन कोमेडोजेनिक होनी चाहिए और काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बताता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं काफ़ी कॉस्टली है, तो हाँ ये कॉस्टली है बिकॉज ये काफ़ी जेन्युइन है और काफ़ी अच्छे, आपकी स्किन को ख़राब नहीं होने देंगे, आपकी स्किन पे काफ़ी अच्छा वर्क करेंगे। अब ये बात हो गई एक्सफोलिएट की, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आपको एक्सफोलिएट कैसे करना है। एक फेस वॉश ही आपके लिए सैलिसिलिक एसिड हो जिसमें, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, वही आपके पोर्स को अनक्लोड कर देगा और वही आपके सीबम प्रोडक्शन को भी कम करेगा जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, और आपकी डेड स्किन को भी रिमूव करता रहेगा जिसके कारण अगेन से पिंपल्स नहीं होंगे। अब बात आ जाती है आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स हैं वाइट हेड्स हैं, अब उसको कैसे रिमूव करें, तो ओनली फेस वॉश उसको अच्छे से रिमूव नहीं कर पाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, आपको उसके लिए जेल यूज़ करना पड़ेगा। तो जेल मैं बता देता हूँ आपको कौन सा यूज़ करना है। तो जेल आपको सबसे पहले एक तो है एडेप्लिन जेल 0.1% आप देख सकते हो, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये ओनली उसको यूज़ करना है जिसके ब्लैक हेड्स है सिर्फ, तो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है जिसके, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, इस पर अलग से वीडियो है मेरी, आप वो देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अगर मैं कर रहा हूँ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये जेल आपको नाइट में यूज़ करना है, इस जेल से आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स चले जाएंगे, पिंपल्स बन के निकलेंगे, तो घबराना मत। अब सेकंड, किसी की स्किन पर रेडनेस वगैरह हो रही है और साथ में ब्लैक हेड्स हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो डराइवा CMS, आप देख सकते हो इसमें क्या एक अदर से केमिकल दिया गया क्लिंडामाइसिन, जो आपके स्किन पे एंटीबैक्टीरियल का काम करेगा। तो इसकी भी डीपली वीडियो की हुई है मैंने, अच्छे से आप वो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे यूज़ करना है। तो दो जेल हो गए, इसकी आपको साइड में पिक दे दूंगा, साफ दिख जाएगी, ये देख सकते हो डराइवा। अगर आपके रेडनेस वगैरह हो रही है, रेड रेड काफ़ी हो रहा है, फेस स्वेलिंग सी भी आ रही है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, साथ में ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं तो ये यूज़ कर सकते हो। ओनली ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं, क्लियर स्किन है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, दोनों के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो जल्दी मैं इस पे वीडियो भी करने वाला हूँ, इसके रिजल्ट्स की काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इसके, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले ऑयली स्किन वाले सैलिसिलिक DS फॉर्मिंग फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करना है मॉर्निंग एंड नाइट में, और नाइट में वॉश करने के बाद आपको ये जेल लगा लेना है, जहाँ भी आपके ब्लैक हेड्स हैं वाइट हेड्स हैं वहाँ लगा लेना। कुछ लोग बोलते हैं नोज़ पे, तो नोज़ पे लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से क्रैक हो सकती है, आइस के अराउंड ना लगे और लिप्स क्रैक हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा, मैंने इस पे 3 वीडियोज़ कर रखी हैं। अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन स्किन वाले। तो कॉम्बिनेशन स्किन वाले सैलिसिलिक 1% वाला फेस वॉश लेना है आपको, जिसमें सैलिसिलिक 1% हो, तो ये देख सकते हो ये वाला। अब आपको उससे फेस वॉश करना है मॉर्निंग एंड नाइट में, समर में, और नाइट में ये लगा लेना। अगर आप विंटर में यूज़ कर रहे हो, आपको ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है फेस वॉश के कारण, हो सकती है वो, और साथ में ये भी ड्राई करता है, तो आप फेस वॉश को स्किप कर सकते हो, कुछ दिन के गैप में भी लगा सकते हो, नहीं तो स्किप कर देना, ओनली इसको अप्लाई करना। अब बात आ जाती है ड्राई स्किन वालों की। तो ड्राई स्किन वाले फेस वॉश यूज़ मत करना, आप नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश करके नाइट में इस जेल को अप्लाई कर सकते हो, इसको या इसको, जो भी आपके स्किन टाइप के हिसाब से, आपको वीडियो में पता लग जाएगा, जो भी वीडियोस देखोगे उसमें पता लग जाएगा जो सा आपको लेना चाहिए। तो आपको ओनली फेस वॉश करके नॉर्मल वाटर से इसको अप्लाई करना है ड्राई स्किन वालों को। अब बात कर लेते हैं ब्लैक हेड्स हैं आपके फेस पे, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले डर्ट वगैरह से आपको अपने फेस को बचाना है, और स्किन को सन से भी बचाना है आपको, डेड स्किन नहीं इकट्ठी होनी चाहिए, आपको रेगुलर वॉश करते रहना है, सनस्क्रीन यूज़ करते रहा करो आप, तो सनस्क्रीन यूज़ करोगे आपकी स्किन साफ रहेगी, आपके टैन नहीं इकट्ठा होगा आपके फेस पे। अब आपको डाइट भी अच्छी रखनी है, डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह आपको नहीं खाने हैं, स्वीट्स वगैरह नहीं खानी है, चॉकलेट्स कम खानी है,
तो गर्ल्स वगैरह बोलेंगी इसने चॉकलेट ही रोक दी खाने की, मैं तो वीडियो को डिसलाइक कर रही हूँ, ऐसा मत करना। तो आपकी स्किन के लिए ये थोड़ा बहुत आप स्किप करो, ऐसा तो नहीं है आप डेली खाते हो, खा सकते हो बट डेली मत खाना, चॉकलेट वगैरह भी खा सकते हो ऐसा नहीं है, बट इन चीज़ों से आपके होते हैं पिंपल्स वगैरह, ब्लैक हेड्स होते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बस यही, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, स्वीट्स वगैरह, जंक फूड, ऑयली फूड कम खाना है आपको, हेल्दी फूड आपको ज़्यादा खाना है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, जूस हो गया, पानी ज़्यादा पीना है आपको, तो पानी से काफ़ी अच्छा आपकी स्किन रहेगी। आप ग्रीन टी पी सकते हो, ग्रीन टी काफ़ी अच्छी है, आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो आएगा, पी के देखना, ग्रीन टी मेरे कहने पे काफ़ी अच्छा आपके रिजल्ट्स आएंगे। ग्रीन टी पी सकते हो, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, आपको सब हेल्दी खाना है, हेल्दी खाओगे तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा, ऑल बॉडी पे आपके काफ़ी अच्छा ग्लो आएगा और काफ़ी साफ रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत खा भी लोगे तो ज़्यादा साइड इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आप खा सकते हो बट ध्यान रखना इन चीज़ों का, अगर काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहे हैं तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा करो, अवॉइड किया करो, कम खाया करो। सेकंड, अगर आपके वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, तो उनको दबाकर नहीं निकालना है या कोई टूल से नहीं निकलवाना है, सैलून वगैरह में चले जाते हैं, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, वो टूल्स आते हैं उससे दबा के निकालते हैं, उसका नेम भूल गया, तो उससे दबा के निकालते हैं, उससे दबा के निकालने से आपके ओपन पोर्स हो सकते हैं ब्लैक हेड्स निकालने के कारण और वाइट हेड्स निकालने के कारण, फिर वो कभी भी सही नहीं होंगे। अगर आप अपने पिंपल्स को ब्रेकआउट करते हो, उनको फोड़ते हो, पॉपअप करते हो, तो उसके कारण आपके स्कार्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। कुछ लोग हैंड से दबा दबा के निकालते हैं, तो आप अपने हैंड्स के बैक्टीरिया भी वहाँ छोड़ देते हो, जिसके कारण वहाँ पिंपल हो जाते हैं और ब्लैक हेड्स जो निकलते हैं उसकी जगह ओपन पोर्स हो जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए बाद में आप लोग रोते हो, बाद में कहते हो हमारे स्कार्स हो गए, ओपन पोर्स के ट्रीटमेंट बता दो, तो इस चीज़ का आप पहले से ही ध्यान रखो। तो ये जेल ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को थोड़ा पिंपल्स बनाकर निकालेगा, तो आप बिल्कुल भी घबराना मत, ना ही इसको फोड़ना, कहीं आपने कहीं जाना है, शादी वगैरह में जाना है, उस चक्कर में आप फोड़ दो तो ये बाद में निशान रह जाएगा, आपके डार्क स्पॉट्स भी रह सकते हैं और आपके वहाँ पे स्कार्स, ओपन पोर्स भी रह सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। धीरे धीरे ये अपने आप चला जाएगा, उतर जाएगा, थोड़ा पहले पिंपल बनेगा, फिर ड्राई आउट होगा और वहाँ से नीचे उतर जाएगा, मतलब निकल जाएगा वहाँ से। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, तो मैं कम्प्लीटली समझाना चाहता था, अगर आप इस चीज़ को समझ आते हो तो आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड्स अगेन नहीं होंगे, आपको ट्रीट करना आ जाएगा, अगर होते भी हैं तो आपको ट्रीट करना आ जाएगा कि आपको उनको कैसे ट्रीट करना है। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, और ये है मेरी इंस्टा आईडी, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, किसी वीडियो से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हो, तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना, आप मेरे को यहाँ पे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।